जय हिंद बच्चों, ये वीडियो कक्षा 6 के लिए है। आज हम हिंदी का लेसन पढ़ेंगे बहुलक्ष्मी। इससे पहले मैंने आपको व्याकरण का काम करवाया था और एक अनुच्छेद भी दिया था। आशा है आप सभी ने अनुच्छेद अपनी अपनी कॉपीज में कर लिया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बहुलक्ष्मी। और आपने ये लेसन को ध्यान से सुनना है और उसके बाद जो इसका PDF दूंगी उसको ध्यान से पढ़ना है और इसके शब्दार्थ व सुलेख अपनी अपनी कॉपीज़ में बहुत ही सुंदर राइटिंग में करना है। अब हम इसे पढ़ेंगे। एक लकड़हारा था, उसके 4 लड़के थे। वे सभी आलसी और निकम्मे थे। उन्हें गांव के ज़मींदार के यहाँ रोज़ एक एक गट्ठर लकड़ियाँ देनी पड़ती थी। उनके बदले में उन्हें एक एक किलोग्राम अनाज मिलता था। वे अपनी सुविधा से रोज़ अनाज में चने ले आ जाते थे, अपने झोंपड़े में आते और अपने अपने चूल्हे पर चने भूनते और खाकर सो जाते। इस तरह दिन, मतलब वो लोग इतने आलसी थे कि खाना तक नहीं बनाते थे। जो लकड़ी अपने ज़मींदार को दे के आते थे उसकी जगह वो अनाज देता था, लेकिन वो अनाज को तो बनाना पड़ेगा, वो इसको खाली अनाज ना लेके चने ले लेते थे और चने को भून कर वही खाकर दिन, मतलब रोज़ सो जाते थे, लेकिन खाना नहीं बनाते थे। एक दिन लकड़हारे के पड़ोसी ने उससे कहा, तुम अपने लड़कों का विवाह क्यों नहीं करते? लकड़हारा बोला, अरे घर में तो यूं ही खाने का ठिकाना नहीं है, लड़कों का विवाह कराकर बहुओं को क्या खिलाऊंगा। बड़े लड़के का विवाह हुए, 5 साल बीत गए, किंतु बहू का गौना अभी तक नहीं कराया। तो वो कह रहे कि अगर अपने बच्चों का विवाह भी कर दो जिससे कि कम से कम घर पर कोई खाना बनाएगा, साफ़ सफाई रखेगा, घर में सही से रहेगा। तो वो बूढ़ा व्यक्ति क्या कहता है कि मेरे पास तो अपने खाने का तो ठिकाना नहीं, अब घर में बहू को कैसे बहुओं ले आऊँ, और अभी तो मैंने बड़े बेटे की भी शादी की हुई है, मैं उसका भी गौना नहीं करा पाया, तो ऐसे में बाकियों का विवाह कैसे कराऊँगा। पड़ोसी बोला, हाँ भाई मैं तो भूल ही गया, तुम्हें बड़ी बहू का गौना अवश्य करा लेना चाहिए। लकड़हारा झुंझला कर बोले, अरे उसकल मुही का नाम मत लो, जिस महीने लड़के का विवाह हुआ और बहू मेरे घर आई तभी मेरी घरवाली चल बसी, अब मैं उसे यहाँ बुलाकर घर का सत्यानाश नहीं करवाऊँगा। पड़ोसी ने समझाया, भाई मरने जीने पर मनुष्य का क्या अवश्य, तुम्हें बहू अवश्य बुला लेनी चाहिए, उसके भाई भाभी आखिर उसे कब तक अपने यहाँ रखेंगे, बहू को ना बुलाने का से तुम्हारी भी बहुत बदनामी होगी। मतलब उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी बहू को बुला लेना चाहिए और उसकी किसी भी जीने मरने का जो सारा श्रेय होता है वो ईश्वर पर होता है, ना कि किसी व्यक्ति पर। इस तरह अन्य लोगों ने भी लकड़हारे को बहू के गुना करा लाने को कहा। आखिर उसने अपने लड़के को बहू को लिवा लाने के लिए भेज दिया। लड़का बहू ले आया तो फिर उसने अपने बेटे को भेज दिया कि ठीक है तुम जाओ और बहू को ले आओ। अब आगे नेक्स्ट पेज करेंगे हम, पेज नंबर 99। बहू ने देखा कि घर के स्थान पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी है, वह भिकमंगों का अड्डा जैसा दिखाई दे रही है। झोपड़ी में 5 चूल्हे बने थे पर ने घर में कभी झाड़ू का मुंह नहीं देखा था। कहीं चने बिखरे थे, कहीं कूड़ा करकट और कहीं मतलब गंध ही गंध था पूरी झोपड़ी में। घर की दशा देखकर दुल्हन को रोना आ गया, पर उसने भाग्य को नहीं कोसा, परंतु तुरंत उसने काम में जुट गई। उसने एक चूल्हे को छोड़कर बाकी सभी चूल्हे तोड़ डाले और एक झाड़ू बनाई और घर की सफाई की। शाम को लकड़हारा अपने लड़कों के साथ आया। उन्होंने घर को साफ सुथरा देखा तो उनका मन खुश हो गया। जब उन्हें अपने अपने चूल्हे दिखाई नहीं दिए तो वे बिखर पड़े और क्रोधित होकर बोला, यह तो आते ही घर का सत्यानाश करने लगी, देखो ना अपने पति का चूल्हा तो छोड़ दिया, हम सबके चूल्हे फोड़ डाले, अब एक चूल्हे पर इतने चने कैसे भुनेंगे, इनके भुनने में घंटों लग जाएंगे और भूख के मारे तो दम निकले जा रहा है। दुल्हन सब कुछ सुन रही थी पर उसने एक लोटे में हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया, बैठने के लिए चटाई बिछा दी, जाड़े के दिन थे अतः सबके हाथ पैर सेकने के लिए आग भी सुलगा दी। फिर वह ससुर से बोली, आप लोग हाथ पैर सेके, तब तक मैं खाना बनाकर लाती हूँ। यह कहकर वह चने लेकर पड़ोसिन के यहाँ चली गई। उसने सारे चने पीसे, आधे आटे की रोटियाँ बनाई और आधा आटा बचा लिया। इधर ये लोग भूख के मारे छटपटा रहे थे, तभी दुल्हन रोटी साग लेकर आ गई। बरसों के बाद इन लोगों ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला था।
रोटियां भी बहुत थी, सब ने ठूस ठूस कर खाई। अब बूढ़ा लकड़हारा उसके बेटे ने बड़ी नई बहू की चतुराई से बहुत खुश हुए। मतलब अभी तक तो उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उसके आने से उन्हें खाना भी मिला और बहुत सारा खाना। मतलब उन्होंने पूरा अच्छे से पेट भर कर खाना खाया और सबको खाना बहुत स्वादिष्ट भी लगा। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 100। सुबह होते ही लकड़हारे लकड़ियाँ लेने जंगल को गए। बहू ने रात की बची रोटियों का एक एक टुकड़ा उनको दिया। इससे उन लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना शाम दे कि वे एक शाम को सारा चना फांक लेते थे फिर भी पेट नहीं भरता था। अब एक खाने वाला भी बढ़ गया, फिर भी उतने ही अन्न से उन्होंने खूब खाया और नाश्ता भी किया। उन्होंने उस लक्ष्मी जैसी बहू की खूब तारीफ की। शाम को जब लकड़हारे घर पहुँचे तब उन्होंने रोटी और बेसन की कढ़ी तैयार मिली। यह भोजन बहू ने रात के बचाए आधे आटे से बना लिया था। अब तो हाथ पैर धोकर सभी तुरंत भोजन करने बैठ गए। वे सभी सोचने लगे कि ऐसी चतुर बहू को ना लाकर वे कितने वर्षों तक उन्होंने व्यर्थ ही कष्ट उठाते रहे। तीसरे दिन लकड़हारे जंगल को जाने लगे तो बहू ने कहा, आप सब लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ी अपने घर के लिए भी लाएं। वे बहू की बात टाल नहीं सके और घर के लिए भी लकड़ी ले आए, एक छोटा गट्ठर लेते आए। इन लकड़ियों को बहू ने पड़ोसियों को बेचकर घर में नमक मसाले तेल आदि का इंतज़ाम कर लिया। एक दिन बहू ने ससुर से पूछा, आप लोगों को ज़मींदार मजदूरी में केवल चने ही देते हैं या दूसरा अनाज भी दे सकता है? ससुर बोला, ज़मींदार कोई भी अनाज एक एक किलो देता है, हम लोग तो अपनी सुविधा से लेकर आते हैं। बहू ने कहा, अब से रोज़ नया नया अनाज लाया कीजिए, आज मजदूरी में चावल ले आइए। बहुत अच्छा, ससुर ने कहा। उस दिन सभी मजदूरी में चावल लाए। अब तो उन लोगों को भात कढ़ी साग रोटी भी मिलने लगी। ऐसा अच्छा भोजन उन लोगों ने पहले कभी नहीं खाया था। वे सभी बहुत खुश हुए। बूढ़ा लकड़हारा अब उसे लक्ष्मी बहू कहता और देवर लक्ष्मी भाभी। अब पढ़ेंगे हम पेज नंबर 101। लकड़हारे मजदूरी में अनाज बदल बदल कर लाते थे। अब उस घर में गेहूँ चना दाल और गृहस्थी के सभी सामान जुटने लगे। बहू रोज के अनाज में से आधा अनाज बचा कर रखती थी, जिससे छोटे छोटे बर्तन बना लिए। अब उस झोपड़ी में रौनक आ गई। कुछ महीने बाद बहू ने बूढ़े ससुर को मजदूरी पर जाना बंद करवा दिया और उसे गाँव में ही एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। दुकान चल निकली, उससे अच्छी आय होने लगी। अब गांव में उन लोगों की मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। उन्होंने छोटी मोटी जायदाद भी खड़ी कर ली, उससे उनका जीवन आसान और आनंदमय हो गया। ये सब बहू लक्ष्मी की चतुराई और मेहनत से हुआ था। तो ये थी बहू लक्ष्मी की कहानी। जैसे कि अगर मान लो वो आके अगर घर का ऐसा देख के शायद चली जाती तो शायद उनका जीवन वापस व्यर्थ ही या नष्ट हो जाता, लेकिन उसने अपनी समझदारी से उन सबको समझाया, सबके लिए उस झोपड़ी को एक घर बनाया, उसको सुंदर बनाया, उन सबके लिए अच्छे से अच्छा भोजन और अच्छे से अच्छे जीने का तरीका बताया। अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ। व्यर्थ बेकार, स्वादिष्ट स्वाद से भरा, आश्चर्य हैरानी, नाश्ता सुबह का जलपान, लकड़हारा लकड़ी को काटने वाला, मान प्रतिष्ठा इज्जत मान। तो ये थे शब्दार्थ। तब आपको आज के होमवर्क में शब्दार्थ और सुलेख अपनी अपनी कॉपीज में सुंदर राइटिंग में करनी है और लेसन को एक से दो बार ज़रूर पढ़ना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर करते समय कोई भी मुश्किल ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।